हमें और काम करना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टर समिट को जब से हमने शुरू करने का ये काम किया था, 17 अगस्त को पहली बैठक हमने यहाँ की थी, 21 अगस्त को दिल्ली में की थी, उसके बाद हमने यहाँ पर लोगों और वेबसाइट लॉन्च की थी, और चौथा आज आप लोगों के बीच में ये आना हो रहा है। तो चार महत्वपूर्ण बैठकों में से एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बैठक मैं कहूँगा वो आप लोगों के बीच में भी यहाँ हो रही है। उत्तराखंड से इतने सारे लोग एक साथ आज यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जितनी बैठकों में भी हमने प्रतिभाग किया है, लोगों से बात की है, सभी के बहुत शानदार सुझाव आए हैं और बड़ा उत्साह लोगों ने दिखाया है। अभी कई अलग अलग सुझाव आए, जैसे दीपक पाली जी ने कहा कि उसको, आशीष जी ने भी उसको जोड़ा कि लैंड एक्वायर करने के बाद दे दिया जाए, ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं, क्योंकि उन सुझावों के लिए अभी काम करने के लिए एकदम से कोई धरातल पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसको भविष्य के लिए हम निश्चित रूप से अपनी जो कार्य योजना है उसमें डालेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप लोग सुझाव देंगे, कुछ को तो हम तत्कालिक रूप से कर सकते हैं, कुछ को थोड़ा कुछ अल्पकालिक होते हैं उसको तत्काल हो सकता है, और कुछ दीर्घकालिक होते हैं जो लंबे समय के लिए थोड़ा पॉलिसी बनानी होती है, उसमें विचार करना पड़ता है, और विचार करने के बाद सबकी राय से जो है उस पर आगे बढ़ना पड़ता है, जो राज्य के हित में अंततः उसमें निर्णय भी लेना पड़ता है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने उद्योग समूह के साथ भी लगातार इस प्रकार की बैठकों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये जरूर है कि आप लोगों के साथ कोई फॉर्मल बैठक इस प्रकार की नहीं हो पाई, डेवलपर्स जो हमारे समूह हैं, लेकिन अन्य जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स भी आ रही है, कहीं पर कुछ प्रावधान भी हैं, जैसे अभी आप कहते सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है, वास्तव में सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे डेवलपर्स लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बना देते हैं, लेकिन सड़क बहुत छोटी होती है। तो फिर रेरा वाले हमारे पवार जी का काम चलता है, तो अब ये काम करते होंगे, हमसे पूछते तो है नहीं कि हम काम कर रहे हैं, इनका विभाग, लेकिन वो कई बार जो है वो काम शुरू हो जाता है तो फिर वो तमाम लोग फिर वहाँ पर खड़े होते हैं कि साहब अब क्या हो रहा है, कुछ लोग किसानों को आगे कर देते हैं, किसी को कुछ को आगे कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आए। माने इसके लिए हम पहले से सोचते हैं, पहले से जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, अगर उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है या कहीं पर व्यवहारिकता की कमी है तो उसको भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने बहुत सारे जो ऐसे नियम, ऐसे कानून जो आज उपयोग में नहीं है, जिनके कारण से ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, उनको हम हटा रहे हैं। कितने हटा दिए आनंद जी अभी तक हम लोगों ने? री अपील वाले, री अपील जो किए हैं ना, अरे जो हम लोगों ने री अपील वाले जो नियम हटाए हैं कई सारे, 465 अभी तक री अपील कर दिया है, तो एक बड़ी संख्या है, उसको हम निकट भविष्य में भी करेंगे और जहां जहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन नियम कानून में ऐसा मानता हूं कि वो इसलिए नहीं बनाए गए कि लोगों को उससे झगड़ा जाए, नियम कानून इसलिए बनाए गए हैं कि उनसे लोगों को आसानी हो, लोगों के जीवन में सुधार आए, उनका सरलीकरण हो। हाँ ये है कि हम लोगों ने सीधे सीधे रास्ता खोल रखा है कि आइए भी अपनी बात करिए और आगे बढ़िए। हमने पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमने इसमें कमेटी बनाई थी कि आप लोग अपने अपने ग्रीवांसेज बताइए। अभी उद्योग समूह की जो हमने 2021 में सबसे पहले बैठक करी थी यहाँ मधुबन होटल में, और उस मधुबन होटल में भारत भूषण जी, हमने जो है उन्होंने अगर हमको जितने भी उन्होंने अपनी आवश्यकताएं, समस्याएं जो भी बताई थी, उसमें से हमने 99 पर काम किया। और उद्योग समूह के लोगों ने, उद्योग मित्र के समूह की बैठक से भी पहले उन्होंने सबने आकर कहीं ना कहीं हमको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पूरा उनका प्रतिनिधिमंडल आया था। लेकिन वो कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब हमारा संवाद उनके साथ हुआ, कम्युनिकेशन लगातार जारी रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं करते, कई बार कहते हैं कि साहब वो
यहाँ से दिक्कत हो रही है, वहां से दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत पता नहीं किस कारण से हो रही, कई बार हमारे पास तो दिक्कत ही नहीं पहुंचती, हमें पता ही नहीं चलता है, कई बार लोग हमारे नाम से दिक्कत पैदा कर देते हैं, अब हमें पता ही नहीं है, ये यहां बैठे हुए लोगों के नाम से कर देते होंगे, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन इसमें हम लोगों को जो है, देखिए इतना बड़ा राज्य हमारा नहीं है कि इसीलिए छोटा राज्य बनाया गया, ये इसीलिए उत्तर प्रदेश से अलग किया गया कि समस्याओं को आसानी से जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, समस्याओं का हल हो पाए, एक दूसरे से परस्पर संवाद हो पाए, हम अपनी बात कह पाए और उसका हल करवा पाए। तो अगर हम उसमें भी कहीं ना कहीं अगर पीछे रह जाते हैं तो थोड़ा सा समस्या पैदा होती है। हालांकि ये बैठक आज बड़े अच्छे माहौल में हुई है, आप सब लोगों ने बड़े अच्छे उससे आए हैं, मेरा तो ये रहेगा कि भी एक बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी अपेक्षा है, उन्होंने इसीलिए जैसा कि प्रेमचंद जी ने कहा था अभी यहाँ से कि उन्होंने कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुंह से निकले हुए शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे। मैं जहां तक आप लोगों की बात करूं तो आप लोग खुद देखिए 2021 में उन्होंने कहा, 2021 में यात्रा ऑलमोस्ट चली नहीं थी, टूरिस्ट कम से कम आए थे क्योंकि कुछ ही समय का समय मिला था 2-3 महीने का और कोरोना के कारण से, लेकिन 2022 में एकदम से यात्रा पूरी उफान पर आ गई, 50 लाख का आंकड़ा तो चार धाम का ही हो गया, अन्य टूरिस्ट कितने आए होंगे तो वो सब हम लगाएंगे तो एकदम से आंकड़ा बढ़ा। उसके बाद इस साल का देख लीजिए आप, इस साल तो जगह ही नहीं हो रही थी कहीं, देहरादून जाम, किसी किसी दिन देहरादून जाम, हरिद्वार जाम, मसूरी जाम, ऋषिकेश जाम, रुड़की जाम, उधर चले जाइए रुद्रपुर, रामपुर, वो रामपुर तक जो है जाम लगा रहता था, नैनीताल, हल्द्वानी सारा जाम, रामनगर पूरा जाम, काशीपुर का पूरा जाम, चारों तरफ जाम ही जाम। क्योंकि ये देखिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली से अभी NCR में ही कई जगह ऐसी होंगी जहां पर 3-4 घंटे आराम से लगते होंगे कि जब हम पहुंच पाते हैं, और उत्तराखंड आने के लिए अभी भी 3.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हैं, एलिवेटेड रोड जैसी पूरी हो जाएगी तो ये दूरी 2 से कुछ थोड़ा हो सकता है, कुछ 10-15-20 मिनट और लग जाए, आधा घंटा और ज़्यादा लग सकता है, 2.5 घंटे में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि नॉन पॉल्यूटेड एरिया ऑफ NCR, इसको पूरा उत्तराखंड को कह सकते हैं, क्यों देहरादून को नहीं, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी ये तो है ही है, इसके साथ साथ अगर हम उधर को भी जाएंगे तो रामनगर की तरफ आप देख लें, नैनीताल, हल्द्वानी, जिस प्रकार से रोड बन रही है वो सारा का सारा उसमें आ रहा है, और जिस प्रकार से अभी रोडें बनती जा रही हैं, हवाई सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, आज 36 फ्लाइट देहरादून से विभिन्न शहरों के लिए चल रही है, और पंतनगर का एयरपोर्ट उसको बनाने के लिए 806 एकड़ जमीन अभी हमने हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया है, कैबिनेट में अभी डिसीजन लिया है कि हम लोगों ने पंतनगर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में बन जाएगा, तो एकदम से वहाँ भी जो है हवाई सेवाएँ बढ़ जाएंगी, और होटल या रहने के लिए जगह रिजॉर्ट इसकी तो बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। आप ये सोचिए कि 2021 में जितने पर्यटक आए थे 2022 में उससे ज्यादा हो गए, 2022 में जितने आए थे 23 में बढ़ गए, क्यों संदीप जी, बड़े कि नहीं बढ़े? तो हर साल बढ़ते हैं, तो हमें उनके हिसाब से, मैं सच कह रहा हूं कि आने वाले समय में कोई होटल खाली नहीं रहने वाला है, कोई रिजॉर्ट खाली नहीं रहने वाला है, बशर्ते कि उसमें सुविधाएं थोड़ा अच्छी हों, ऐसा ना हो कि हम कई बार लोग कोशिश करते हैं कि साहब एक ही बार आदमी आए मतलब वो मुर्गी का अंडा नहीं खाना है, एक ही बार में मुर्गी को ही काट के खा जाना है, तो फिर मुर्गी एक ही बार खाई जाएगी, तो उस प्रकार का हम लोग अपना वो न रखें हर क्षेत्र में, और कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार कोई आया है तो हर बार व्यक्ति यहाँ आए, तो हर बार यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से वो अपने साथ और लोगों के लिए भी हमारे कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेगा। आज हमको पार्किंग की जरूरत है, आज हमको अच्छी सड़कों की जरूरत है,
अच्छे होटलों की आवश्यकता है, ये सब हमारे लिए मतलब जरूरी है जो आने वाले सालों में हमको, और हम जो ये इन्वेस्टर सबमिट लेकर चल रहे हैं, जहाँ इन्वेस्टर सबमिट एक हमारे लिए बड़ा अवसर है, वहीं भविष्य का एक खाका भी है कि आने वाले अगले 25 साल, इन 25 सालों में किस प्रकार की आवश्यकताएं हमारे लिए होने वाली हैं, आपके क्षेत्र में भी किस प्रकार की आवश्यकताएं होने वाली हैं, आप लोग अपनी आवश्यकताओं का एक रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप के आधार पर आप आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ है और हम हर तरीके